भाजपा जिला हाथरस महामंत्री हरिशंकर राणा सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल मंत्री की पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पति के किसी बुलबुल नाम की महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते वह उसके साथ मारपीट करते हैं और जिंदा जलाने का प्रयास भी कर चुके हैं। संबंधित मामले में पीड़िता प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। जनपद एटा में बीजेपी नेता की पत्नी ने अपने पति पर जान से मारने की नीयत से जिंदा जलाने और घरेलू हिंसा सहित कई संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता सरिता की माने तो हाथरस बीजेपी जिला महामंत्री हरिशंकर ने दूसरी औरत बुलबुल से अवैध संबंध के चलते ना सिर्फ उसे जिंदा जलाने का प्रयत्न किया, बल्कि उसे बच्चों से दूर कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित सरिता ने हाथरस प्रशासन से लेकर लखनऊ में उच्च अधिकारियों तक न्याय के लिए चक्कर काटे, लेकिन पति के राजनीतिक रसूख के चलते सिस्टम के कानों में जू तक नहीं रेंगी। सिस्टम की कार्यप्रणाली से हताश और निराश पीड़िता ने पत्रकारों के सामने न्याय न मिलने की दशा में आत्मदाह करने की बात कही। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेगी। पीड़िता सरिता अपने बच्चों से मिलने के लिए अधिकारियों की चौखट पर नाक रगड़ रही है, लेकिन अधिकारी सत्ता के दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। वही पीड़िता की मदद के लिए आगे आई सामाजिक कार्यकर्त्री डॉक्टर रश्मि यादव ने महिला होने के नाते साथ खड़े रहकर आवाज उठाने की बात कही। ये मुझे अभी सूचना मिली कि एक महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अपने न्याय के लिए, उसको घर से निकाल दिया गया है, उसके बिना तलाक हुए उसको घर से निकाल दिया और अलग एक कोई महिला को लाके रखा है। 10 साल से वो बेचारी अपने न्याय के लिए तड़प रही है। तो मैं यहाँ अचानक आई, मैंने सुना इनको, और ये जो महिला है प्रधानमंत्री तक अपनी एप्लीकेशन दे चुकी हैं, मुख्यमंत्री को भी दे चुकी हैं, महिला आयोग में भी दे चुकी हैं, लेकिन क्या इनके जो पति हैं जो अभी सत्ता पक्ष में पदाधिकारी हैं, इसके कारण उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ, उनकी आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया गया है। और ये मेरा है सरकार से अनुरोध है, और मुझे लगता है कि सरकार इनके साथ न्याय करेगी, क्योंकि सरकार का तो मुख्य मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसा सरकार के कान तक नहीं पहुंचने दे रही, सत्ता पक्ष के होने के कारण उन तक पहुंच नहीं पा रही जहां उन्हें न्याय पहुंच मिलेगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि सरकार इनके मैटर में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरते, इस महिला को न्याय दे, और ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाएंगे तो जो पत्नी को नहीं रखा वो प्रजा के साथ किस प्रकार से न्याय कर सकेगा। क्या क्या उत्पीड़न हुआ है इस दौरान इनके साथ, कुछ बताया इन्होंने आपको? इन्होंने बताया इनको जलाया भी गया, इनको इतना धमकाया भी गया, इनके भाई को भी मारा गया है, और इनके भाई की भी हत्या कर दी गई। और ये आप देख सकते हैं, ये बेचारे बहुत ही भोले हैं, नेक हैं, अब असत्य के साथ तो कोई चलता नहीं, अकेले बेटी और पिताजी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने लड़ाई को कमजोर करने के लिए उन्हें जो जो करना चाहिए तो उन्होंने पूरा किया, प्रयास मारने की भी किया, लेकिन वो ऊपर का है कि नहीं, जिसको जीना है मरना उन्हीं के हाथ में। क्या मांग करेंगे अब आप पूरा शासन प्रशासन से, पुलिस से? शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे, उसको उसका पूरा अधिकार दिया जाए, उसके साथ जो मांग रही है पीड़िता, उस पीड़िता के साथ न्याय किया जाए। मेरे पति दूसरी भूरा पहलवान दूसरी औरत ले आए, खमोना गाँव से 2 बच्चा सहित अगवा करके लाए, मुझे मार के घर से मारपीट करके मेरे घर से निकाल दिया है, और मेरे भाई को मेरा भाई सहायता करता था उसे भी मरवा दिया है। और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री के दरबार में बीजेपी के हर जगह लेटर लगाई थी और हमें कोई न्याय नहीं मिला है। मुझे उन पर न्याय चाहिए, मेरा तलाक हुआ नहीं है, मेरे घर में कैसे रह रही है वो, मेरे घर से निकाली जाए और मुझे घर में पहुँचा जाए, मुझे हम न्याय चाहिए आप लोगों पर। क्या आपने पुलिस में और कहीं अधिकारियों से भी शिकायत की, थाना में शिकायत की? हाँ, हाथरस में हर जगह शिकायत की है, डीएम के पास, एसपी के पास, सीओ के पास, मेला थाने में, हर जगह मेरी खबर है और कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं। सबसे बड़े लखनऊ में डीजीपी बैठे हैं, उनके पास भी हमारा 4 लेटर पहुँचा है, हमने खुद जाके मेला आयोग में लखनऊ में पहुँचा है, भाजपा की ऑफिस में हमने पहुँचा है, खुद जा जाएंगे, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री में के पास हमने मोबाइल से भी 4 पहुंचाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी हमने 10-5 दिन पहले हमने 4-5 दिन पहले हमने जहाँ से पहुंचाए एटा से,
उसकी भी कोई अभी सुनवाई नहीं। क्या आप यह बता रहे हैं कि आपको जलाने का भी प्रयास किया गया था क्या? हाँ, मुझे मट्टी का तेल डाल के उनको की भाभी ने और उन्होंने मट्टी का तेल डाल के मुझ में आँच लगाई है। किस पद पर है पति आपके बीजेपी में? वहाँ पे भाषा में जब लेके आए थे तब जिला अध्यक्ष थे, फिर जिला अध्यक्ष से हटाए गए थे और पार्टी से निकाले गए थे। आजकल बीजेपी में क्या है वो? महामंत्री कह नहीं पाए, महामंत्री। अच्छा, ये बताइए, महामंत्री है इस समय, महामंत्री है। ये बताइए आप और आशीष शर्मा चेयरमैन के साथ रहते हैं, उस पर हम अब आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं और नाम दो अपने, हम हत्या कर लेंगे, उसे घर से निकाला जाए और मुझे घर में बैठा, मेरा हक दो। क्या सत्ता पक्ष के दबाव में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा बोल रही है? हाँ जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं और मुझे हक चाहिए अपना।